अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू लर्न एंड अर्न ऑनलाइन इन पाकिस्तान। फ्रेंड, ये वीडियो एंड्रॉयड से ग्रुप एसएमएस किस तरह किए जाते हैं उस हवाले से बनाई गई है। फ्रेंड, यहाँ आपने सबसे पहले ऐप डाउनलोड करनी है मल्टी एसएमएस सेंडर के नाम से, ठीक है। प्ले स्टोर पे आप पहले एमएसएस ट्राई कर लें, एमएसएस या फिर आप मल्टी एसएमएस सेंडर लिख लें। एमएसएस से नहीं आ रहा तो आप यहाँ लिखें मल्टी एसएमएस। एक तो ये भी है, लेकिन जो हम यूज़ करेंगे वो यहाँ मैंने डाउनलोड की हुई है मल्टी एसएमएस सेंडर के नाम से। मल्टी एसएमएस एंड ग्रुप एसएमएस, इसमें बहुत से एड्स वगैरह हैं, तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे। और इसका जो थीम है वो भी इतना अच्छा नहीं है। एक न्यू ऐप है मल्टी एसएमएस सेंडर एमएसएस, हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी रिव्यू भी अच्छी है, बहुत अच्छी चलती है। तो अब हम इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम दो नंबर सेव करते हैं, ठीक है, ताकि हम उन्हें ग्रुप में ऐड करें। तो मेरे पास जो इस वक्त मोबाइल में नंबर सेव हैं, लाइक मैं दो नंबर सेव कर लेता हूँ। एक पे लिखते हैं टेस्ट वन और दूसरा नंबर सेव करते हैं टेस्ट टू के नाम से। टेस्ट टू। अच्छा फ्रेंड, इस ऐप पे आपने कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाना है बिल्कुल। बस जब ये ऐप ओपन होगी तो आपने यहाँ से नंबर ऐड करने हैं, प्लस पे जाके अपना ग्रुप नेम लिखना है टेस्ट ग्रुप, ठीक है। अभी आपसे पूछेगा आपने कौन कौन से नंबर ऐड करने हैं, तो यहाँ टेस्ट वन टेस्ट टू एंटर किया और अब ये ग्रुप में ऐड हो गए, ठीक है। जो फ्रेंड आपने एसएमएस सेंड किए थे वो हिस्ट्री में यहाँ शो होंगे और यहाँ आपकी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट वो होगी। अब हम यहाँ से इस तरह क्लिक करेंगे टेस्ट ग्रुप पे, हमने ग्रुप जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ कुछ भी एसएमएस लिखेंगे, और यहाँ मैं आपको ये बात बता दूँ कि आपने एसएमएस किस से सेंड करना है, ठीक है। एसएमएस जो है वो आप सेटिंग जो है वो कर लें, जिस यानी कि एंड्रॉयड मोबाइल में अगर आपके डुअल सिम है तो आप जिसे सेंड करना चाहते हैं तो वहाँ यहाँ पर जो है टेक्स्ट मैसेज में उस सिम को सिलेक्ट करना। मैंने सिम टू की है तो मेरा जो भी एसएमएस सेंड होगा वो सिम टू से ही होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ हाय दिस इज टेस्ट मैसेज, ठीक है, सेंड मैसेज। आप इसको बैकग्राउंड में भी चला सकते हैं, खुद ही वो सेंड करता रहेगा, ठीक है। देखें कंप्लीट हो गया। तो अब हम जाते हैं एसएमएस के अंदर, ये देखिए दोनों एसएमएस आ चुके हैं। और हम यहाँ भी एसएमएस ऐप ओपन करते हैं, देखते हैं कि ये देखें ये एसएमएस आया, यानी कि सिम टू से जब सेंड हुआ है, ये देखें सिम टू से सेंड हुआ है तो सिम वन पे और सिम टू पे रिसीव हुआ है। ज़ीरो थ्री टू वन थ्री नाइन सिक्स नाइन वन फोर ज़ीरो थ्री, इससे एसएमएस सेंड किया गया है और सिम वन में भी रिसीव हो चुका है और सिम टू में भी रिसीव हो चुका है। सिम वन में 316 वाला नंबर है और सिम टू में 321 वाला नंबर है। आप जितने मर्ज़ी चाहे नंबर ऐड कर सकते हैं और जितने मर्ज़ी चाहे ग्रुप बना सकते हैं, इसमें कोई ऐड वगैरह नहीं है। और यहाँ सेटिंग में जाके आपने हाई डुप्लीकेट नंबर करना है। अगर कोई आपका ऐसा कॉन्टैक्ट सेव है जो दो मरतबा सेव है या किसी और नाम से सेव है तो वो भी जो है ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। अब सेव हिस्ट्री में आफ्टर सेंडिंग ये खुद ब खुद सेव हो जाएगा। यहाँ आप जाएंगे, देखें आपके पास नंबर इस तरह
पाँच तारीख को आपने कौन कौन से मैसेज किए थे और किस किस को किए थे, वो सब सेव हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस तरह की हमारी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।